कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगस्त महीना, वो महीना जो आठवां नंबर होता है, आठ यानी शनिदेव। बहुत ही इस महीने को लेकर सभी लोगों ने ऐसी भविष्यवाणियां दी हैं जिसे सुनकर यकीन नहीं होता कि क्या इंसान इतना भी नीचे गिर सकता है कि भगवान पर ही प्रहार करे। जी हाँ, समय इसी ओर संकेत दे रहा है, और जब समय इसी ओर संकेत दे रहा है, ग्रह नक्षत्र भी इस ओर संकेत दे रहे हैं, तो भगवान कल्कि जो श्रीहरि के आखिरी अवतार हैं, अपनी कल्कि सेना के साथ क्या खामोश रहकर सब कुछ अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त कड़ा संदेश अपने भक्तों तक पहुंचाया। किस घटना के माध्यम से और किस बारे में क्या हो सकता है आगे, क्यों भगवान कल्कि चाहते हैं कि उनके भक्तगण बहुत मजबूत रहें, क्योंकि आने वाला समय महापरिवर्तन महाविनाश को लेकर आ रहा है। यदि गीता जलाई जा रही है, कुरान नहीं, यदि धार्मिक स्थलों पर, हिंदू के धार्मिक स्थलों पर आंदोलन हो रहे हैं, यदि मंदिरों पर प्रहार हो रहे हैं, यदि आज हिंदूगण चिंतित हैं, यदि आज हिंदुओं के साथ ऐसा कुकृत्य हो रहा है जिसे बोलने में भी शर्म आती है, तो डेफिनेटली अब वो महाविनाश तय हो चुका है जो बाद में होने वाला था, लेकिन अब बहुत जल्द ऐसा कोहराम धरती पर होने वाला है जिसकी कल्पना भी, जो उपद्रवी ग्रुप है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, अब उनके साथ भी और उनके विरोध में अब खड़े हो रहे हैं एकजुट होकर इंसान, केवल हिंदू नहीं। जी हाँ, यही सबसे बड़ा संदेश भगवान कल्कि का। दो संदेश उन्होंने दिया, बांग्लादेश की घटना के माध्यम से। बांग्लादेश में चाहे डिक्टेटरशिप कह लीजिए या कुछ और, लेकिन जब तक शेख हसीना रही, हिंदुओं पर इतना भारी भरकम अत्याचार नहीं हुआ, उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन तख्ता पलट होते ही शह मिल गई उपद्रवी को, और उपद्रवी जब इतना शह पाकर कर रहे हैं उत्पात, तो गवर्नमेंट को भी, अंतरिम जो गवर्नमेंट बनी है, उन्हें भी सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ रही है कि हम माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बैठे क्यों हैं सीट पर? भगवान कल्कि का संदेश, यदि जलाई जा रही है गीता, तो अब कैसे बचेगा इंसान? अब हो गया महाविनाश तय, लेकिन केवल हिंदू या माइनॉरिटी में जो भी बांग्लादेश में हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी हैं माइनॉरिटी ग्रुप में, वो सभी अब एकजुट होकर इस लड़ाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए न सिर्फ तैयार हुए, बल्कि आवाज़ उन्होंने उठाई। जी हाँ, एक जगह इकट्ठे होकर हज़ारों की संख्या में, जिसमें केवल हिंदू नहीं थे बल्कि बुद्धिस्ट भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सारे थे, सब लोगों ने एक साथ मिलकर जो आवाज़ उठाई, तो उपद्रवियों के भी हौसले जो बढ़ चढ़कर थे आक्रमण करने के, वो कहीं ना कहीं पस्त नज़र आए। और इसी के माध्यम से भगवान कल्कि ने मैसेज दिया जो वो इतने समय से देना चाह रहे थे, युद्ध तो खुद इंसान को लड़ना पड़ेगा, धर्म और अधर्म का महायुद्ध छिड़ चुका है, लेकिन इंसान को ही जाना है युग परिवर्तन करके अगले पड़ाव में। तो युग परिवर्तन का ये जो चल रहा है धर्म युद्ध का समय, इसमें इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सिर्फ भगवान कल्कि सपोर्ट करेंगे, राह दिखाएंगे, सही राह दिखाएंगे। अब तक डरे हुए हिंदू वर्ग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और उनमें साहस नहीं था कि वो
इन कट्टरपंथी मुसलमानों का सामना कर सके, लेकिन हिम्मत जुटाई गई और बुद्धिस्ट जो थे और ईसाई भी बांग्लादेश में वो भी जुट गए उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कि आज हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कल हमें भी निशाना बनाया जा सकता है। और केवल एक ही डिमांड, बस कुरान पढ़ो और मुस्लिम धर्म अपना लो। तो क्या ये इशारा भगवान कल्कि ने नहीं दिया कि 13 मुस्लिम कंट्रीज जिसकी बात कही गई है एकत्र होकर भारतवर्ष पर हमला बोल सकते हैं? जी हाँ, अब यही हाल दिखला रही हैं आज की परिस्थितियाँ कि अब धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रांग होती चली जा रही है, चाहे वो हमारे देश के हो या बाहर के। आप देखिए, कहीं पर भी कुरान पर अटैक नहीं, कहीं पर भी मुस्लिम को आप कुछ भी बोलिए सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो यूनिटी की कमी थी, अब हिंदू भी जग गए हैं। जागो हिंदू जागो बहुत हो गया, लेकिन वो जागो हिंदू जागने के पश्चात अब कुंभकर्णी नींद खत्म हुई, अब वास्तव में हिंदू जगे हैं। और जब जगे हैं तब अब उपद्रवियों के जो हौसले बुलंद थे वो कहीं ना कहीं पस्त नज़र आ रहे हैं। तो भगवान कल्कि का संदेश कि यूनिटी में रहो और अपने आप को बचाने के लिए खुद लड़ाई लड़ो। धर्म और अधर्म के जो युद्ध चल रहा है, इस संकट में मत पड़ो कि सामने वाला कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। महाविनाश आने वाला है, महासंकट आने वाला है, सबको पता है, लेकिन उसके पहले तैयारी होनी चाहिए। तो क्या केवल भगवान कल्कि अपनी कल्कि सेना के साथ ही तैयारी करते रहें? नहीं, तैयार तो मानवों को भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए करनी है। और इसलिए इन घटनाओं के माध्यम से भगवान कल्कि लोगों को, जो हिंदू हैं जो सनातनी हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। प्लस इन कट्टरपंथियों की भी आंखें खुलेगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब छोड़ दो, आने वाले समय में जब प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला होगा, सब लोग त्राहिमाम करेंगे, और उस समय जब खून लेने की ज़रूरत पड़ेगी तब मुस्लिमों को भी हिंदू का ही खून दिया जाएगा। मुस्लिम का खून है या हिंदू का खून पता नहीं चलता, केवल अपनी जान बचाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। और फिर एक और बात, अब एक ढाकेश्वरी माता का मंदिर भी है जिसकी सुरक्षा हिंदू अब तक कर रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम भी उस मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं इन कट्टरपंथी मुसलमानों से, अब इस मंदिर को बचाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात हुई है और अच्छी शुरुआत कि जब मैं कहती हूँ सनातन का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, केवल और केवल सत्य, तो भगवान कल्कि इसी सत्य का दर्शन अब इंसानों को करा रहे हैं। और किस प्रकार मानव खुद मानव धर्म निभाए, आज का यदि इस तरह के आंदोलन ना हो तो अभी भी इंसान कुंभकर्णी नींद सोता पाया जाएगा। इसलिए ऐसे आंदोलन भी हो रहे हैं ताकि जो इंसान लड़ाई लड़ने के काबिल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो रियल में स्ट्रांग हैं, जो अपने अंदर की ताकत को बरकरार रखना चाहते हैं, वो इस समय में सभी को एकजुट करें और सभी को सही राह दिखलाएं। और इस प्रकार दुनिया में एक सतयुग आने के पहले वो शांति युग आए जिसकी स्थापना के लिए और सतयुग की स्थापना के लिए भगवान कल्कि धरा पर आए हैं। तो उनका क्लियर कट मैसेज, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ देना है। कहीं पर भी यदि उपद्रवियों का हमला हो रहा है, मत देखो जात पात, सब एक साथ मिलो, और धार्मिक स्थलों की रक्षा और धार्मिक पुस्तकों की रक्षा, धार्मिक ग्रंथों की रक्षा करो, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, रामायण हो, महाभारत हो, कुछ भी हो, यानी यूनिटी होनी ही चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और विश्वगुरु बन सकता है, जो कि बनना ही है। लेकिन आज जो तूतू मैं चल रही है, इससे भारतवर्ष विश्वगुरु नहीं बनेगा। तो भगवान कल्कि को जो मैसेज पहुँचाना था, बहुत ही सख्त संदेश उन्होंने दिया आज के माहौल के द्वारा। बांग्लादेश सबसे उत्तम एग्जाम्पल उसके द्वारा, एवं आने वाले समय में पाकिस्तान भी वो ज्वलंत उदाहरण होगा जो लोगों की आंखें खोलेगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।